नमस्कार दोस्तों, मेंस करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम इंडियन इकोनॉमी का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये काउंसिल बार बार जो है न्यूज में आती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कमीशन के द्वारा। जैसा कि प्रीवियसली पूछा गया था, व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ नीति आयोग 2020 के HAS के मेन्स एग्जाम में GS3 पेपर में ये पूछा गया था। तो इंडियन इकोनॉमी GS3 के पेपर में जो आता है उससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। फटाफट से इसका डिस्कशन हम करेंगे और किस तरीके से आप एक आंसर फ्रेम कर सकते हो इस डिस्कशन से वो भी हम देखेंगे, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो व्हाट इज द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल? ये एक नॉन स्टैट्यूटरी एपेक्स काउंसिल है। ये मेनली हम इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बार बार जो है न्यूज में आती है। रिसेंटली इसकी काउंसिल मीटिंग जो है वो हुई थी, आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे इस पिक्चर में, राइट। तो ये एक नॉन स्टैट्यूटरी यानी कि किसी भी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ कि ऐसे किसी भी काउंसिल को एस्टैब्लिश करना है, या फिर कोई भी ऐसा लॉ या एक्ट नहीं है जिसमें लिखा हुआ है कि ऐसा काउंसिल एस्टैब्लिश करना है। तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसे एस्टैब्लिश किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बेसिस पर 2010 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था, राइट। तो ये जो है 2010 में एस्टैब्लिश की हुई बॉडी ये नॉन स्टैट्यूटरी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। स्टैट्यूटरी यानी कि ऐसे कोई बॉडी या फिर ऐसा कोई चीज जो कि एक लॉ में दिया हुआ हो, कोई एक्ट में दिया हुआ, ये नॉन स्टैट्यूटरी है। इसे ऑटोनॉमस बॉडी कहा जा रहा है, डीलिंग विथ मैक्रो प्रूडेंशियल एंड फाइनेंशियल रेगुलरिटीज। तो मैक्रो प्रूडेंशियल यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक अलग अलग हमारे पैरामीटर्स है, फॉर एग्जांपल GDP हो गया, किस तरीके से GVA में वेरिएशन ला सकते हैं, कैसे एम्प्लॉयमेंट का जो परसेंटेज है वो बढ़ा सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के परसेंटेज को कम कर सकते हैं, इन्फ्लेशन पर किस तरीके से हम जो है उसको हम कम कर सकते हैं या फिर एक लेवल पर ला सकते हैं। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक जो पैरामीटर्स है वो प्रूडेंट हो यानी कि सही डायरेक्शन में सही तरीके से हो, जितना ऑप्टिमम जरूरत है उस लेवल में ये सारे पैरामीटर्स रहे, वो चीज जो है करने से रिलेटेड जो पॉलिसी डिसीजंस है उस पर ये डिस्कशन करते हैं। और ये फाइनेंशियल रेगुलरिटीज इन द एंटायर फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इंडिया। तो फाइनेंशियल सेक्टर जिसमें हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, IRDAI जो कि इंश्योरेंस का रेगुलेटर है, IBBI जो कि हम कह सकते हैं कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी का जो कोड है, उसका जो बोर्ड है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडी है, उसको उसके जो चेयरमैन है वो भी इंक्लूडेड है इसमें। PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी बोर्ड जो है उसके भी चेयरमैन इसमें इंक्लूडेड है। तो ये सारे रेगुलेटरी जो बॉडीज है, SEBI हो गया उसके चेयरमैन, ये रेगुलेटरी बॉडीज जो भी फाइनेंशियल रेगुलेटरीज हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। और ये सब पॉलिसी डिसीजंस जो भी वो लेते हैं पूरे फाइनेंशियल सेक्टर को अच्छे तरीके से जो है रेगुलेट करने के लिए, उसे सुपरवाइज करने के लिए ये डेलिब्रेशन और डिस्कशन करते हैं। रघुराम राजन कमेटी 2008 में बैठाई गई थी, उसके रिकमेंडेशंस के बेसिस पर इसे एस्टैब्लिश किया गया है। फर्स्ट टाइम इसे प्रपोज किया गया था, रिसेंटली 26th मीटिंग ऑफ FSDC हुई है और हो सकता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। ओके, तो ये एक इंट्रोडक्शन था। अब कॉम्पोजिशन किस तरीके की है, तो पूछा अगर गया एग्जाम में तो कॉम्पोजिशन पूछा जाएगा। इसके चेयरमैन होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, भूलिएगा मत, और इसमें कई सारे मेंबर्स जो कि चेयरपर्सन है, हेड्स हैं, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ IRDAI, चेयरमैन ऑफ SEBI, चेयरमैन ऑफ PFRDA, ये सारे इंक्लूडेड हैं। इसके साथ ये जो है फाइनेंस सेक्रेटरी वो भी इसमें होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी जो कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के हैं वो भी होते हैं, और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं, राइट। और ये जो बॉडी है वो एक्सपर्ट्स को इन्वाइट कर सकती है डेलिब्रेशन के लिए। इसके साथ और भी जो इंपॉर्टेंट
चेयरपर्सन है उनको इंक्लूड करने के लिए इसे रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जहां पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो है उनको इंक्लूड किया जाएगा, ये चीज कही गई। सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इनको भी इंक्लूड किया जाएगा। चेयरपर्सन जो हमारे IBBI के हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, और रेवेन्यू सेक्रेटरी को भी इंक्लूड किया गया है। तो ये नाम ये जो है आपको याद रखना, पूछ लिया जा सकता है कि इनमें से कौन FHDC का पार्ट है ये रीसेंट डेवलपमेंट से। इसके साथ एक सब कमिटी इसकी बनती है, सब कमिटी के चेयरपर्सन होते हैं RBI के गवर्नर, जो कि ये पूरी जो है मेन काउंसिल है उसमें एक सब कमिटी बनती है जिसमें सारे लोग इंक्लूडेड नहीं होते हैं, ठीक है। दिस इज चेयर्ड बाय दिस RBI गवर्नर एक्सक्लूडिंग द चेयर ऑफ FHDC, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो फाइनेंस का है, उन दोनों को छोड़कर, ये दोनों मिनिस्टर्स को छोड़कर बाकी सभी सब कमिटी के पार्ट होते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ FHDC आर पार्ट ऑफ दिस। 4 डेप्यूटी गवर्नर्स ऑफ RBI, इसके साथ में सब कमिटी में RBI के 4 डेप्यूटी गवर्नर्स भी पार्ट बन जाते हैं। सेक्रेटरी ऑफ FHDC का जो सेक्रेटरी बनाया जाता है वो भी पार्ट बनता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, कौन किसका मेंबर है। इस तरीके से हमने ये बहुत ही क्लियरली ये चीज डिस्कस कर लिए हैं, राइट। आगे बढ़ते हुए ऑब्जेक्टिव्स क्या है FHDC के, तो हमने देखा सारे रेगुलेटरी बॉडीज के हेड्स इसमें है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है। स्ट्रेंथेंड एंड इंस्टीट्यूशनलाइज द मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनिंग फाइनेंशियल एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फाइनेंशियल सेक्टर जो कि हमारा बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पेंशन हो गया, सभी को अच्छे प्रूडेंट वे में चलाने का काम, साथ में जो मैक्रो इकोनॉमिक हमारे पैरामीटर्स है उनको स्टेबल रखने का काम किया जाता है बाय दिस। एनहांस इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि बैंक जो है इंश्योरेंस से भी रिलेटेड होते हैं, तो बैंक एश्योरेंस उसे कहा जाता है, तो ऐसे एरिया जहां पर उनका एक लिंक होता है, और साथ में ये सारे फाइनेंशियल सेक्टर के जो बॉडीज हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। पेंशन फंड है या फिर इंश्योरेंस का जो बॉडी है उनके अकाउंट्स ऑब्वियसली बैंक्स में खुले होंगे, तो ये सारे लिंक्ड है। इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन इस वजह से बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि इसके थ्रू की जाती है। फोकसेस ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी, और इसके साथ फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने का काम भी कैसे किया जाए उससे रिलेटेड डेलिब्रेशन होते हैं। इंडिया इंटरनेशनल इंटरफेस बनता है FATF के लिए। FATF का जो फाइनेंशियल सेक्टर बॉडीज हैं इंटरनेशनली, FATF हो गया और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, ठीक है, इन का जो है इंडिया के इंटरफेस, यानी कि इंडियन इस FHDC से बात की जाती है, जब इन बॉडीज के थ्रू इन इश्यूज से रिलेटेड अगर डिस्कशन किया जाना है तब, राइट। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही क्लियरली हम समझ चुके हैं। अगर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते ये चार आप लिखोगे। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ FHDC, मेन फंक्शंस क्या है, किस तरीके से इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाता है। हैंडलिंग इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या है, वो इश्यूज रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट, इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, इंक्लूजन, मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन। ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स है, बट देन थोड़ा सा अलग तरीके से ये लिखा गया कि इन सभी को हैंडल किया जाता है, इन इश्यूज को। साथ में किसी भी तरीके का सेपरेट फंड एलोकेट नहीं किया जाता है इस काउंसिल को। एक काउंसिल मीटिंग होती है, सब डेलिब्रेशन होते हैं, बस डेलिब्रेशन ऑन एजेंडा आइटम, जो भी एजेंडा आइटम्स है, फॉर एग्जांपल द काउंसिल और सब कमिटी कुछ आइटम्स, कुछ चीजों को लेकर चलती है। जैसे कोविड हो गया, ये एक एजेंडा आइटम हो गया रिसेंट के मीटिंग्स में। इकोनॉमिक रिकवरी हो गया, ये एक एजेंडा आइटम। तो इस तरीके से इन पर काम किया जाता है, स्टेबिलिटी, इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन एंड फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट से रिलेटेड। साथ में मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन की जाती है, यानी कि सभी ये रेगुलेटर्स मिलकर जो मैक्रो हमारे पैरामीटर्स हैं उनको सुपरवाइज करते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं, उसके बेसिस पर वो डिसीजंस लेते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ FHDC, इस तरीके का क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को भी आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हो, और इसके साथ हम जो है सेशन को एंड करते हैं। आई होप ये सेशन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्प कर रहे होंगे। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। जय हिंद।